नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग कोरल ड्रॉ से, और यहाँ देख सकते हैं कि मानस बेरा जी ने कमेंट किया है कि सर प्लीज़ सर सेब के शैडो को ट्रिम करने का तरीका दिखाइए कोरल ड्रॉ 12 में। तो सबसे पहले मानस जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, और आप जानना चाहते हैं कि जो सेब का जो शैडो है उसको ट्रिम कैसे करना है, यानी शैडो को आप कैसे काटना है। कोई भी सेब हो उसका जो शैडो है उसे आप काटना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं आप कोरल ड्रॉ 12 में। लेकिन मैं जो आज आपको तरीका बताऊंगा वो चाहे कोरल ड्रॉ 12 हो, 13 हो कोरल ड्रॉ, या कोरल ड्रॉ X3 हो, X5 हो, X7 हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो फिलहाल मैं आज जो तरीका आपको बताऊँगा सेब के शैडो को ट्रिम करने का वो मैं आपको बताऊँगा कोरल ड्रॉ 11 में बताऊँगा, लेकिन अगर आप 12 यूज़ करें तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कोरल ड्रॉ 11 खुला हुआ है। तो सबसे पहले एक शेप लेते हैं, जैसे ये जो शेप है रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक किया और नॉर्मल सा मैंने एक शेप यहाँ पे बना दिया। देख सकते हैं एक शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। करने के बाद इसको थोड़ा कलर कर देते हैं। तो कलर करने के लिए जो कलर का पैलेट है यहाँ पर जाके मैं इसको जो कलर पसंद है उस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए इस शेप में कलर हो गया। अब इसमें एक शैडो देते हैं। तो शैडो देने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। ये जो पहला टूल है पॉइंटर टूल, ये अभी भी देखिए मेरा शेप जो है सिलेक्टेड है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो टेक्स्ट टूल है ठीक इसके नीचे यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके छोटा सा जो फ्लाई आउट बटन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं ये जो शैडो का ऑप्शन है इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल, इस पर क्लिक करेंगे और नॉर्मली इस तरह ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए इस तरह ड्रैग कर दिया तो इसमें एक शैडो आ गया। अगर डीप करना है शैडो को, ये जो हैंडल बना हुआ इधर वाइट आता है इधर डीप आता है, तो इसको थोड़ा सा मैं डीप कर देता हूँ जिससे आप देख पाएंगे अच्छी तरह। उसके बाद जिधर आपको डायरेक्शन चेंज करना है आप कर सकते हैं शैडो को, तो ये कर दिया। अगर आपको ये शैडो पसंद नहीं आ रहा है ये स्टाइल वाला शैडो, तो यहाँ पर देखिएगा जब भी आप कोई भी टूल कोरल ड्रॉ के अंदर यूज़ करते हैं उसका एक अलग सा यहाँ से प्रॉपर्टी बार बन जाता है। तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो टूल का जो ये जो है इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल, जब मैंने इस पर यूज़ किया है तो इसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे दिखने लगेगा। अब यहाँ से जो प्रीसेट का ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग यहाँ पे शैडो का डिज़ाइन दिया हुआ है, तो इसमें से जो आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने नॉर्मल सा शैडो यहाँ पर बनाया हुआ है। अब उसके बाद बनाने के बाद ये जो पहला टूल है पॉइंट पिक टूल, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसके साथ मेरा यहाँ पर शैडो लग चुका है। अब नॉर्मली अगर इसको हम काटना चाहेंगे तो इसमें नहीं कटेगा, इसको ट्रिम करना चाहेंगे नहीं कटेगा। तो इस जो शेप के साथ ये जो शैडो लगा हुआ है दोनों को अलग करना होगा। तो इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अरेंज का मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेक ड्रॉप शैडो ग्रुप अपार्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद बाहर क्लिक कीजिए, उसके बाद इस शेप को अलग कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास शैडो अलग हो चुका है, शेप से मैंने इसको अलग कर दिया, अपार्ट कर दिया। अब इसको काटना है, तो अगर आप इसको काटना चाहेंगे नॉर्मली इस पर अगर ट्रिम करना चाहेंगे तो नहीं होगा, तो इसको एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली क्या है, आप यहाँ पे अगेन एक यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स ले लीजिए, रेक्टेंगल टूल ले लीजिए, नॉर्मल सा सेम इसी टाइप का आपको एक शेप इस तरह बना लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक शेप बना लिया, देखिए इस तरह शेप बना लिया। अब इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको डायरेक्शन भी इस तरह जैसा आपको चेंज करना है, जिस तरह आपका शेप था। देखिए यहाँ पर इस पर फिर से क्लिक करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए जैसा मेरा ये शेप था, जैसे इस पर क्लिक कर दिया मैंने, इस पर क्लिक किया। अब जैसे इसको देखिए यहाँ से मैं इसको जैसा मेरा शेप था शैडो वाला सेम उसी तरह मैं इसको कर देता हूँ। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं एक बार और, ये देखिए कर दिया इसको थोड़ा सा। ये देखिए सेम इसी टाइप का मैंने एक शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लिया ठीक इसके ऊपर। करने के बाद इसको थोड़ा साइड में लाते हैं। लाने के बाद अब क्या करना होगा, सिंपली ये जो शेप है ये जो शैडो वाला, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अरेंज में जाइए, जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है इफ़ेक्ट में जाइएगा, सॉरी इफ़ेक्ट में जाइए, फिर पावर क्लिप में आइए। यहाँ पे देखिए प्लेस इनसाइड कंटेनर, इस पर क्लिक कीजिए तो एक देखिएगा माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा और जो शेप अलग सा मैंने इस तरह बनाया हुआ है ठीक इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर लाइन पर क्लिक करेंगे, जैसे लाइन पर क्लिक करेंगे वो जो शैडो था ठीक इसके साथ यहाँ पर फिट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर फिट हो गया, देख सकते हैं। फिट हो जाने के बाद अब इस शैडो को आप इजीली ट्रिम कर पाइएगा। अब जैसे मान लेते हैं इसको काटना है,
अब जैसे मैंने एक और रेक्टेंगल शेप लिया, अब जैसे मान लेते हैं बीचों बीच यहाँ से मुझे काट देना है। देखिए यहाँ से एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। करने के बाद शेप को मैंने सिलेक्टर रखा है, उसके बाद यहाँ पे अरेंज में जाइए, जाने के बाद यहाँ पे शेपिंग में जाइए, शेपिंग में जाने के बाद यहाँ इसके सब मेनू में जाइए, शेपिंग में क्लिक किया तो इस तरह का शेपिंग का एक डॉकर इस तरह खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो शेपिंग का ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आपको ट्रिम चूज़ कर लेना होगा, ट्रिम चूज़ कीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, सोर्स ऑब्जेक्ट और एक टारगेट ऑब्जेक्ट। तो सोर्स ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट रखा हुआ है और देखिए शैडो के ऊपर देखिए ये वाला बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सोर्स ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड रखेंगे और ये ट्रिम को हम लोग क्लिक करेंगे। याद रखिएगा शैडो के ऊपर जो बॉक्स पे शैडो दिया हुआ था उसके ऊपर मैंने इस तरह का एक रेक्टेंगल शेप बना रखा है उसको ट्रिम करने के लिए, मैंने इसी हिसाब से। तो इसको सिलेक्ट रखेंगे, शेपिंग में जाएंगे और ट्रिम का ये ऑप्शन ऑन रखेंगे, ट्रिम पर क्लिक कर देंगे और ठीक यहाँ पर जो शैडो है उस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए बीचों बीच यहाँ से वो शैडो कट गया। फिर बाहर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इसको यहाँ से देखिए मैं जो शैडो था यहाँ से कट चुका है, देखिए जो शैडो था कट चुका है। इसको अगर अलग करना है अरेंज में जाइए, यहाँ से ब्रेक पावर क्लिप कर्व अपार्ट पे क्लिक कर दिए, शैडो भी काट के मैंने अलग कर दिया। इसका आउटलाइन है, आउटलाइन को हटाना है, यहाँ पे चले जाइए राइट क्लिक यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इसका आउटलाइन जो शैडो का बॉक्स बनाया था वो चला जाएगा। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कलर में जाके इस पर क्लिक कर राइट क्लिक कर दिया। अब देखिए शैडो को मैंने काट दिया, देख सकते हैं यहाँ पर शैडो को भी आप ट्रिम कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना होगा, ध्यान से देखिएगा। कोरल ड्रॉ 11 हो 12 हो किसी में भी आप कर सकते हैं। सिंपली जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ से एक सर्कल ये वाला इलिप्स टूल पे क्लिक किया, अब इलिप्स शेप जो बनाया मैंने यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्कल यहाँ पे बना लिया। अब इसको मैं कलर कर देता हूँ, लेफ्ट क्लिक कलर कर दिया। इसका आउटलाइन अगर ठीक करना, आउटलाइन भी मोटा कर देता हूँ, ये देखिए मैंने कर दिया। अब इसको मान लेते हैं इसमें शैडो देना है मुझे, इस पर क्लिक किया, करने के बाद यहाँ पे आया नीचे, यहाँ पे इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मली इस तरह मैंने एक शैडो इस तरह बना लिया जैसे आपको बनाना है। ये मैंने देखिए शैडो बना लिया, इसको थोड़ा सा और डीप यहाँ तक कर देते, कर दिया। अब इसको शैडो को मुझे आपको काटना है, शैडो को सिर्फ, तो इसको दोनों को शेप को और शैडो को अलग करना होगा। तो अरेंज में जाइए, यहाँ पर ब्रेक ड्रॉप शैडो है ग्रुप अपार्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए, बाहर क्लिक कीजिए। अब देखिए शैडो और शेप मेरा अलग अलग हो गया, तो ये सर्कल को रख दिया। अब इसको काटना है, तो नॉर्मली इसको काटेंगे तो नहीं हो पाएगा, लाख कोशिश कीजिएगा नहीं होगा, तो इसके लिए ट्रिक अपनाना होगा। तो इसको अगर काटना है तो कैसे काटते हैं, तो इसके लिए सेम इसी बराबर का एक सर्कल आपको ड्रॉ कर लेना होगा। अगेन इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ सेम इसी शेप का। ये देखिए और बड़ा करना है बड़ा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो घुमाना फिराना जितना जैसा आपको करना है तो उस शेप का आपको बना लेना होगा शेप इस तरह। ये देखिए ठीक इसी शेप का मैंने एक सर्कल ऊपर ड्रॉ कर दिया। करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा अलग कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। अब क्या करेंगे, जो शैडो है उस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद इफेक्ट में जाते हैं, पावर क्लिप में गया, प्लेस इनसाइड कंटेनर में क्लिक किया और ठीक इस पर ला के इसको मतलब उस शैडो को इस सर्कल के अंदर पुट कर दिया। अब ये हो चुका है, अब इसको ईजिली आप ट्रिम कर सकते हैं, जैसे भी आपको काटना है कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको मुझे इतना काटना है, इस हिस्सा से ऐसे काट देना है, देखिए ऐसे काट देना है, या टेढ़ा काटना है, जैसे जैसे मान लेते हैं जैसा भी आपको काटने का मन करे, इसको घुमा के काटना है, ऐसे काटना है, जैसे काटना है उस तरह शेप आप उस पर बना लीजिए। हो चुका है, शेप सिलेक्टेड है। उसके बाद अरेंज में जाइए, यहाँ पर शेपिंग में जाइए, जाने के बाद ये जो शेपिंग के सब मेनू में शेपिंग में गया, यहाँ पे शेपिंग का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, सॉरी डॉकर आता है, यहाँ से ट्रिम चूज़ कर लेना है, सोर्स ऑब्जेक्ट को ऑन रखना है, इसको टिक कर दीजिएगा, ट्रिम पे क्लिक कर देना होगा। याद रखिएगा उस जो शैडो बना है उसके ऊपर जो शेप बना है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करते हैं, आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा, शैडो पे क्लिक कर देते हैं। अब बाहर क्लिक करते हैं, ये देखिए मेरा ये शैडो यहाँ से देख सकते हैं, ये इतना ये पोर्शन जो था मेरा सर्कल वाला, ये जो शैडो था यहाँ से कट गया। अभी ये वाला ज़रूरत नहीं है, तो एडिट में जाके यहाँ से इसे यहाँ से आप इसे डिलीट कर दीजिए। ये हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसका जो बाहरी जो किनारा दिख रहा है आपको, उसको अगर हाइड करना है नहीं रखना है तो सिंपली आप यहाँ पर चले जाइए, जो कलर का पैलेट है वहाँ पर जो क्रॉस दिया उसको राइट क्लिक कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर उसका आउटलाइन भी यहाँ से चला गया। तो इस तरह आप किसी भी शेप को आप ट्रिम कर सकते हैं। अगर आप मैं उम्मीद करता हूँ मानस जी आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी भी शेप को आप कैसे ट्रिम कर सकते हैं।
और अगर आपको ये जानना है कि कैसे किसी टेक्स्ट को भी, अगर टेक्स्ट का कोई शैडो है उसको अगर ट्रिम करना है, तो अगर कमेंट कीजिएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे किसी टेक्स्ट का शैडो को कैसे ट्रिम करते हैं। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।